नया IBN 7 हौसला है। और इस वक्त एक अहम खबर मुंबई से, जहां चेंबूर इलाके में एक तेज रफ्तार ऑडी कार के टैक्सी में टक्कर मारने से दो लोगों की मौत हो गई है, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में जाह्नवी गटकरे नाम की एक वकील है जिसको गिरफ्तार किया है। आरोपी हाईकोर्ट में वकील है। पुलिस को आशंका है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा बीती रात करीब 2 बजे ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक एक परिवार अपने बच्चे के साथ टैक्सी से घर लौट रहा था, जब उनकी टैक्सी फ्रीवे पर पहुंची तो दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ऑडी कार ने इसमें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टैक्सी ड्राइवर समेत 2 की मौत हो गई। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निशात शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, क्या मामला सामने आ रहा है, क्या ड्रंकन ड्राइव का यह मामला देखें हम? बिल्कुल हिमानी, देखिए मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये ऑडी कार है, जो जिस तरह से तस्वीरें सामने दिख रही होंगी, पूरी तरह से प्रखच्चा उड़ चुका है कार का। बेहद तेज रफ्तार पे ये कार थी, तकरीबन 130 के ऊपर बताया जा रहा है ये कार चल रही थी। अंदर का जो एयर बैग है और तमाम चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है। महिला एडवोकेट है, जाह्नवी गटकर नाम है, बॉम्बे हाईकोर्ट का स्टिकर भी यहाँ बजाबता लगा रखा है। और यहाँ पर फिलहाल ये गाड़ी जो है पुलिस थाने में लाया गया। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाऊँ उस टैक्सी का जो मेरी बाईं तरफ है, जिसमें 5 लोग सवार थे, भिवंडी से ये तमाम लोग एक ही परिवार के लोग खुशी मना के लौट रहे थे। कल उनके बच्चे का जो 10वीं का परीक्षा था उसका रिजल्ट आया था, बेहद खुश थे। और उसके बाद ये पूरा परिवार मुंबई की तरफ लौट रहा था, तभी गलत दिशा में ये ऑडी कार आ रही थी और सामने से फेस टू फेस ये टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोग जो आगे की सीट पर जो 2 लोग बैठे थे उनकी मौत हो गई है, जबकि 3 और लोग जो पीछे की तरफ बैठे थे वो फिलहाल अस्पताल में है। काफी हालत चिंताजनक बनी हुई है। देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ, जो महिला वकील है जिनको इस मामले में पुलिस ने अभी अपने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो विटनेस है, जो मौके पर पहुंचे थे, उनके मुताबिक उस वक्त शराब के नशे में थी और उल्टे दिशा में ये पूरी गाड़ी चल रही थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, और उसके बाद जब लोग उसमें वहां पर जमा हुए तो उसके बाद वहां पर जो वकील थी वो काफी ज्यादा नशे की हालत में लग रही थी। प्रत्यक्षदर्शी हैं, परिवार से भी हैं, उनसे बात करेंगे क्या हुआ था कि ये पूरा हादसा। हम उसके परिवार से नहीं है, एक्चुअली हम उसके फ्रेंड है। ये लोग ऑन द वे आ रहे थे, बच्चे की वो थी, एग्जाम थी, उसने अच्छे नंबर लाया तो लोग कुछ पार्टी करने गए थे भिवंडी, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। वो ड्राइवर ये सडनली सामने की तरफ से लॉयर साहब आ रहे थे, उनने सीधा सामने की तरफ से आके हेडऑन मारा। 130 में समथिंग अराउंड स्पीड थी और 2 जन की डेथ हो गई, 3 जन सीरियस है, 4 जन काफ़ी सीरियस है। पुलिस कुछ बता रही नहीं, हम लोग रात भर से यहाँ खड़े हैं, हम लोग पूछ रहे नाम क्या, नहीं बता रही लेडी को, उन्हें नहीं बता रहे। जिस वक्त ये हादसा हुआ, जब टक्कर हुई, तो क्या महिला वकील वहाँ से भाग गई थी? वहाँ पे गिर गई, नशे में थी, बहुत दारू पिया होता है उसने और ये गिर गई। इसने तुरंत उठ के कहा कि कितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, मुझे इस पर निकालो। और हम लोगों को भी कहा कि तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, आप लोग मेरे बारे में कुछ बोलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी हिमानी, ये जो दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, उनको जो मौके पर पहुंचे हैं, कल देर रात से यहीं पर है। तस्वीरें साफ दिखाई देती है कि किस तरह से हेड ऑन टक्कर हुई है, कितनी ज्यादा स्पीड रही होगी गाड़ी की। अभी फिलहाल आरसीएफ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, महिला वकील को अपनी हिरासत में ले चुकी है पुलिस, कुछ देर बाद उनको अदालत में पेश करेगी और उसके बाद जो आगे की तफ्तीश है वो पुलिस करेगी। हिमानी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब जिस तरह से जो दोस्त हैं उस परिवार के, वो बता रहे थे कि क्या कुछ बात सामने आई, और जो महिला वकील है, काफ़ी शराब पिए हुई थी, ओवर स्पीडिंग का ये मामला देखा जा रहा है। और साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि मैं तुमको पैसा दूंगी या जो तुमको चाहिए मैं तुमको दूंगी, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना। शुक्रिया निशात इस तमाम जानकारी के लिए आपका।